आप सबका स्वागत है आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जियो क्या डबल धमाका करने वाला है या जियो डबल धमाका बड़ा फेलियर करने वाला है। क्योंकि इंडियन मार्केट में बात करी जाए तो जियो 4G पे भी आज की डेट में इंटेंशन रखा हुआ है, और वो किन यूज़र्स के लिए करा हुआ है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक लीक आई थी जहाँ पे हमें जियो फोन 5G देखने के लिए मिला था, कुछ लुक लाइक दिस। और यहाँ पे बात करी जाए तो अब जियो मेन फोकस कर रहा है कीपैड मोबाइल फ़ोन पे। जियो भारत V1 4G मोबाइल फ़ोन आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन क्या ये एक नॉर्मल कीपैड मोबाइल फ़ोन की तरह दिखता है? क्या इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, 2016 में तब जियो ने अपना 4G लॉन्च करा था इंडिया में, तो LYF मतलब फ्लेम सीरीज़ के साथ अपने मोबाइल फ़ोन लॉन्च करे थे, जहां पे इंडियन मार्केट में एक अच्छा बड़ा परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिला था। लोगों ने ख़रीदे थे, मैंने भी ख़रीदा था, एटलीस्ट मुझे वहां पे मोबाइल के साथ सिम फ्री मिली थी, और अराउंड 6 मंथ मैंने हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करा था, फिर हल्के हल्के ख़त्म होता हुआ चला गया। लेकिन यहां पे बात करी जाए तो जियो इस टाइम जो टारगेट करा हुआ है वो फीचर मोबाइल फ़ोन को करा हुआ है। ये भी मैं मोबाइल की बात करूँ तो ये भी LYF की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग है जियो का फ़ोन, और एक तरीके से कह सकते हैं प्योर कीपैड एंड फीचर मोबाइल फ़ोन है। लेकिन इसमें आपको मल्टीपल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, और इस मोबाइल को ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन के चक्कर में सबसे ज़्यादा हैंगिंग प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये एक बिल्कुल बेसिक मोबाइल फ़ोन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बात करी जाए तो इंडिया में आज की डेट में फीचर मोबाइल फ़ोन का कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, और हम बात करें स्मार्टफोन का, अराउंड 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें से 32 करोड़ जो हैं वो इस तरीके के फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल वो बनता है, क्या जियो मेनली टारगेट कर रहा है बिल्कुल बेस पे, कि आप तब स्मार्टफोन चलाएं जहाँ पे ऑलरेडी जियो बहुत अच्छी पकड़ करा हुआ है 4G के मामले में बात करें, और जियो बिल्कुल भी पीछे नहीं है 5G को लेके। अब कहीं ना कहीं जो मेन टारगेट करा जा रहा है बेसिक की फीचर मोबाइल फ़ोन के बारे में, जहाँ पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जियो भारत V1 4G मोबाइल फ़ोन क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली बात क्योंकि यहाँ पे तब आप मोबाइल को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशन आइकॉन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि जियो सिनेमा की बात करें, जियो सावन की सॉन्ग के लिए, जियो सिनेमा की OTT, या हम बात करें आपको OTT कंटेंट डायरेक्टली लाइव, या कुछ कंटेंट मैच वैच भी आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे बात करी जाए तो जियो सिक्योरिटी दिखाई देता है, और इस तरीके के फीचर मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ये थी कि यहाँ पे आपको हाई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ज़्यादा कुछ देने के चक्कर में मोबाइल को वो परफॉर्मेंस नहीं आया निकल के। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो ये मोबाइल आपको मार्केट में देखने के लिए मिलता है तो रियल एक काया पलट कर देगा, जो कि छोटी ब्रांड आपको देखने के लिए मिलती है 2100-2200 रुपये की रेंज में। जियो बिल्कुल कुछ नया चेंज करेगा, और आपको मालूम है जियो फ़ोन के लिए जो रिचार्ज होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट होते हैं एज़ कंपेरिजन किसी भी अदर टेलीकॉम के मुकाबले। आप जियो का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फीचर मोबाइल फ़ोन, और जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आती है कब हमें मार्केट में देखने की उम्मीद है, कब लॉन्च कर रहा है। तो जियो नियरेस्ट दिवाली के पास 2023 में अपने मल्टीपल डिवाइस या मल्टीपल सर्विस लॉन्च करेगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम भी वेट कर रहे हैं एक्चुअली जियो क्लाउड PC की, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जियो एयर फाइबर डिवाइस की बात करें, या जियो फोन 5G की बात करें, या भारत वन 4G मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो मतलब मल्टीपल डिवाइस आपको मल्टीपल सर्विस के साथ नियरेस्ट टू दिवाली लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पे जियो बहुत कुछ लेके आ रहा है, और जो छोटे छोटे आइटम है जैसे जियो ड्राइव हो गया या जियो टैग हो गया, वो कंटिन्यू लॉन्चिंग में, मतलब लोगों का फोकस बना रहे कि हाँ जियो कुछ ना कुछ रेगुलर नया कर रहा है, जिससे कि आपका इंटेंशन भी कहीं ना कहीं जियो के ऊपर पूरी तरीके से रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।